चलो गाइस, है ना, एवरीबॉडी सब अभी स्क्रीन ऑन है ना बेटा? यस चलो क्वेश्चन करेंगे। इसमें रेडिकल एक्सेस एक आता है, वो जब क्वेश्चन आएगा टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा। चलो गाइस, सी फर्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा बेटा। इवन दैट द सर्कल दिस एंड दिस, लेट बी ए पॉइंट अल्फा बीटा सच दैट द टेंजेंट फ्रॉम पी टू बोथ द सर्कल्स आर इक्वल। चलो दिमाग लगाओ, यहाँ से कुछ क्वेश्चन होंगे। देखो एक बिना टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्या होगा। करो, ट्राई करो दिस क्वेश्चन। गाइस याद है सबको, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? अंडर रूट डैश वन। अंडर रूट एस वन। अगर कोई भी पॉइंट पी है, ये जो डिस्टेंस है ना पी ए, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, और अगर कोई सर्कल गिवन है हमारे पास, है ना, तो बहुत इजी है इसको तो करना, फाइंड आउट करना। अब देखो उसने क्या बोला है, आपको ध्यान समझो बेटा। उसने क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, दैट सर्कल इज एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो एस वन क्या होगा बेटा, पॉइंट अल्फा बीटा करिए आप। सपोज ये आपका अल्फा बीटा पॉइंट है ना, ओके, ये अपॉन सपोज अल्फा बीटा पॉइंट है, तो क्या जाएगा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस फाइव, ये आ जाएगा आपका एस वन। तो पी ए द रूट ओवर एस वन वो क्या आ जाएगी बेटा, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस पॉइंट। यस बेटा, अभी सिमिलरली क्या है, एक सर्कल है एस डैश, है ना, दैट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू वाई माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अब अगर मैं इसको पी बन बन रहा हूं तो ये हो गया, सॉरी, है ना। तो एक्स वन डेज क्या बेटा, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स अल्फा माइनस टू बीटा प्लस सिक्स। तो पी भी एक तरह से रूट एस वन डेज क्या हो गया बेटा, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स अल्फा माइनस टू बीटा प्लस सिक्स। यस, नाउ अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो दोनों है सच दैट द टेंजेंट फ्रॉम पी बोथ द सर्कल्स आर इक्वल। तो पी इज इक्वल टू पी ए बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी गिवन है बेटा। तो हमने क्या कर दिया, क्या हो गया देखो बेटा, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस फाइव इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सिक्स अल्फा माइनस टू बीटा प्लस सिक्स, दोनों का स्क्वायर कर दिया बेटा।
है ना, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, फोर अल्फा इधर आएगा तो क्या बेटा माइनस का टेन अल्फा, ये प्लस का टू बीटा, उधर जाएगा तो वन। तो ऐसा कोई आंसर है क्या? टेन अल्फा माइनस टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई आंसर है क्या बेटा? टेन अल्फा सर इलेवन नहीं आएगा, फाइव प्लस सिक्स सॉरी इलेवन आएगा, इलेवन इलेवन आएगा बेटा, टेन अल्फा माइनस टू बीटा माइनस प्लस इलेवन। यस, तो कोई सा ऐसा है? यस सर, सी इज द आंसर। यस गाइस, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, भावना को समझो। देखो बेटा एग्जैक्टली क्या है, बहुत सिंपल है। गिवन दैट द सर्कल दिस एंड दिस, लेट पी एक पॉइंट है अल्फा बीटा, कि वहां से टेंजेंट दोनों की सेम है, तो कोई बात नहीं। हमको बहुत सिंपल सर ने बताया है, अगर कोई सर्कल एस है, अगर कोई भी एक सर्कल आपको दिया है, तो उसमें जब हम पॉइंट रखते हैं एक्स की अल्फा, वाई की जगह बीटा अल्फा, तो इसका जब रूट वन लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। दूसरा सर्कल था एक्स का बीटा स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का अल्फा स्क्वायर वाई का बीटा स्क्वायर, एक्स का अल्फा वाई का बीटा, तो ये रूट ओवर एस वन, ये आपका आ गया। यस, बस अब इन दोनों को क्या किया बेटा हम लोगों ने, बहुत सिंपल सा इन दोनों को इक्वेट कर दिया है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। उसके बाद तो अब ये टेंथ का क्वेश्चन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, दोनों अंडर रूट को सॉल्व कर लिया। अरे बोलो ना, हाँ, अरे यस, कोई कॉपी की प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अभी थोड़ा फास्ट करना, क्योंकि हमको थोड़ा सा आगे जाना है। चलो गाइस, कम ऑन, दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी तो बच्चा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन है, जिसका लोकस टू भी फाइंड है ना। कम ऑन गाइस, आप लोग करना, आई विल नॉट डू। डन, ऑप्शन ए, गुड। जो पहला सर्कल, दूसरा सर्कल क्या देगा बेटा? एस डैश थ्री एक्स स्क्वायर, उसको मैं पहले ही सिंपल कर लेता हूँ। देखो पहले थ्री से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री एक्स प्लस फोर बाय थ्री वाई माइनस टू। अब आपको फायदा क्या होगा बेटा? देखो कि जब यहाँ पर आपने एस वन निकाला तो क्या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री एच प्लस वन बाय थ्री के माइनस टू। अब क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, दिस इज इक्वल, तो कोई बात नहीं, दोनों को स्क्वेयरिंग कर दिया, तो यहाँ क्या देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस फाइव एच माइनस थ्री, यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री एच सर वन बाय थ्री के माइनस टू। सर वो फोर बाय थ्री है। क्या फोर बाय थ्री है बेटा? ओके, दिस फोर बाय,
फोर बाय थ्री, है ना। अब देखो जो माइनस फाइव एच है और ये तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर तो माइनस सेवनटीन बाय थ्री एच हो जाएगा। और यस ये यहाँ का प्लस है तो जाएगा तो माइनस फोर बाय थ्री ये हो जाएगा, ये माइनस थ्री जाएगा तो प्लस, तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा लोकस में एच के एंड कांस्टेंट चाहिए, वही आ गया तो बस अब रिप्लेस करना है। तो मैं क्या कर दूंगा ध्यान सुनो बेटा, ये माइनस सेवनटीन थ्री का एलसीएम ले लिया, एच को लिख दूंगा एक्स, माइनस फोर थ्री का एलसीएम ले लिया वाई, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर है। कोई ऑप्शन है ऐसा? ये आ गया बॉम्बे प्लस फोर बाय प्लस थ्री। अरे यस यस सर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल है। देखो जिसका लोकस टू बी फाइंड होता है ना उसको अपन एच कॉमा के लेते हैं। बस अब अंकल ने क्या बोला है खास कि जो इक्वेशन है वो इन दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, तो ये सर्कल था इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली, ये सर्कल था रूट ओवर एस वन लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाली, दोनों को इक्वेट कर दिया। उसके बाद तो कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन के अंदर, कुछ ऐसा नहीं कि जिसमें कुछ टाइम पास किया। यस बेटा ये आपको याद रखना है कि जिसका लोकस नॉन लेट पॉइंट इज एच कॉमा के। अरे यस चलो क्वेश्चन को समझो, आईआईटी में क्वेश्चन आया था एआईटी, मतलब आईआईटी है बेटा। ठीक है व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस, क्या होता है ललित रेडिकल एक्सिस? हाँ बेटा याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो बेटा एक चीज आई है रेडिकल एक्सिस अचानक से, डरने की बात नहीं हो, बेटा अगर आपके पास दो सर्कल है ध्यान सुनना, ये अब ध्यान सुनो बेटा लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट फ्रॉम दैट पॉइंट distance of two circle is always same. Option A. देखो radical axis पता भी है क्या होता है? देखो बेटा ध्यान सुनो, देखो बेटा ये एक पॉइंट है पी, अब इस पी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो सेम आ रही है ए और ये सपोज बी है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। अभी पॉइंट कहीं पर भी मूव करेगा इससे उसके हर पॉइंट से जो होगा ना वो लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी सेम, मतलब सपोज ये पॉइंट बी है ये पी है तो ये पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो आप इसका लोकस बनाओगे ना, ये जो पी पॉइंट ट्रेवल कर रहा है ना, जो पी पॉइंट ट्रेवल कर रहा है दिस इज कॉल्ड द रेडिकल एक्सिस। मतलब रेडिकल एक्सिस क्या हो गया ध्यान सुनना बेटा, है ना, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम That point, क्या डिस्टेंस नहीं आएगा करो वन सच दैट डिस्टेंस ही था डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू सर्कल्स
इज ऑलवेज सेम, ओके, वो आपका हो जाता है रेडिकल एक्सिस। ध्यान समझो, आपको मजा आएगा। अभी 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 थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कुछ नहीं है, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। देखो बेटा, देखो ये सर्कल पे ये निकाल ली, ये दोनों सेम हो गई, यहाँ से ये दोनों सेम हो गई, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज सेम। बस जिससे आपका ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका सेम होने लगता है ना बेटा, तो ये ऐसे जो भी पॉइंट होगा इनको रेडिकल एक्सिस। कोई दिक्कत इसके अंदर आ रहा समझ बेटा? तो रेडिकल एक्सिस कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, से क्या हो गया, फ्रॉम दैट कोई भी पॉइंट ले लो, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज सेम। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, या ये ऐसा, आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा सेम होगा। यस, है ना, लेंथ ऑफ मूविंग सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट टू 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 सर्कल्स इज ऑलवेज सेम। याद रहेगा बेटा, तो ये पी पॉइंट का जो लोकस होगा, ये पी पॉइंट कहीं भी जाए, ये लेंथ देखो, ये लेंथ सेम होगी, ये दोनों पी पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ से ये लेंथ सेम होगी। यस, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा आपका रेडिकल एक्सिस। अरे यस यस सर, यस सर, अभी कुछ रेडिकल एक्सिस निकालने का कोई टेंशन मत लेना, सीधे एसएमटी है। क्या एक सर्कल है एस वन, दूसरा सर्कल है एस टू, इसको माइनस कर दो, यू विल गेट द रेडिकल एक्सिस। खत्म हो गया आपका, दिस इज योर रेडिकल एक्सिस। अरे ये तो वही है, ये कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड नहीं होगा। तो देखो ना, जब इसको तुम पास लेते जाओगे, है ना, जब तुम उसको पास ले जाओगे तो वही कॉमन कॉर्ड हो जाता है। अरे यस, यस सर, यस सर। रेडिकल एक्सिस को थोड़ा मेरे को पढ़ा दो, फिर कुछ बात बताऊंगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो मैं आपको सीधे दे दूंगा, वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेना, उसका उसका कोई इतना काम नहीं है। इसमें एक चीज और आती है कि एक सर्कल ये है, ध्यान सुनना बेटा, एक सर्कल ये है, एक ये सर्कल है, तो क्या होगा बेटा, एक इनका रेडिकल एक्सिस बन जाएगा इसे। इज इट ओके, है ना, एक सर्कल ये है, ठीक है ना, तो एक इसका रेडिकल एक्सिस बन जाएगा इन दोनों का, यस, है ना, और एक इन तीनों का, एक इन दोनों का बन जाएगा, यस। देखो अगर मैं बात करूं, देखो बेटा ध्यान सुनना, ये एक सी वन सर्कल है और एक सी टू सर्कल है और ये आर वन है, तो आर वन रेडिकल एक्सिस किसका है बेटा, एक्सिस ऑफ सी वन एंड सी टू, आर टू, दिस इज आर टू, ये किसका रेडिकल एक्सिस है, सी टू एंड, ऐसी आर थ्री किसका रेडिकल एक्सिस है, सी थ्री का, है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस इज कॉल्ड, वेरी गुड, रेडिकल सेंटर। यस, सिंपल सा रेडिकल सेंटर क्या हो गया, तो तीन है, तीन, इसके लिए तीन जरूरी होगी बेटा, ओके, ये आपका रेडिकल सेंटर हो गया, ओके, रेडिकल सेंटर। यस, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को, कुछ नहीं बेटा, तीन सर्कल है ना जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, उन तीनों के पॉइंट ऑफ जो तीन तीन जो सर्कल है ना, उनका उनका जो वो निकालोगे तुम, क्या कहते हैं, रेडिकल एक्सेस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सेस। अरे यस, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो बेटा, ध्यान सुनो, अब मेरी एक बात को समझना, देखो कैसे उल्लू बनाता है आईआईटी। इफ दो सर्कल ऐसे हैं, है ना,
ओके गाइस, तो देखो बेटा अब ध्यान से सब लोग समझना इसको, जो मेरा पॉइंट है उसको समझना. व्हाट इज दिस? कॉमन टेंजेंट. कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट आउटसाइड, ठीक है ना. व्हाट इज दिस? कॉमन टेंजेंट. टेंजेंट बिटवीन. बिटवीन है. अरे यस, है वही आउटसाइड, यही है भी. मगर आप समझ रहे ना. व्हाट इज दिस? कॉमन कॉर्ड. कॉर्ड कॉर्ड. कॉमन कॉर्ड. और ये क्या हो गई बेटा? रेडियल एक्सिस. ओके, तो अगर हम ध्यान से देखो तो क्या हो गया बेटा, ये तो ये दोनों क्या हो गए बेटा, देखो कॉमन टेंजेंट. यस, ये क्या हो गया बेटा, कॉमन कॉर्ड, और ये हो गई आपका रेडिकल एक्सिस. गाइस उल्लू बना रहे हैं, दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज है. होता क्या बस, तो फर्क क्या पड़ रहा है दोनों के अंदर, मन में आपको फर्क क्या पड़ रहा है कि ये जो है उनकी सर्कल की पोजीशंस अलग है, इसलिए उनके अलग अलग नाम हो रहे हैं. तो भाई अगर सब चीज सेम ही है तो इनका सबका मालिक भी एक ही होगा, तो बिल्कुल सही है. तो याद रखो, अगर ये आपका सर्कल है एस वन जीरो और ये दूसरा एस टू जीरो, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो. बस यानी सबका मालिक एक. या सबका मालिक एक. राधे राधे. तो एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो. एस वन इज इक्वल टू एस टू. एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो. दिस इज द आपका मेन इक्वेशन, ठीक है बेटा. ये आपका मेन इक्वेशन हो गया जिससे आप निकाल सकते हो इसको. यस, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम में आवड़े छे. अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी मेरे को. बोल बेटा. आईआईटी में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं या फिर आप हमको मोटिवेशन के लिए इतने सरल देते हो? बेटा ये तुम लोग क्या करो कि कोई भी कोचिंग नहीं, कोचिंग के नहीं, हम हमारे पर्सपेक्टिव में बता रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं. इस समय अपन एडवांस लेवल ऑफ सर्कल पढ़ रहे हैं. जैसे एडवांस लेवल ऑफ सर्कल हम लोग जो तरीके से पढ़ रहे हैं और जो तुम होमवर्क कर रहे हो और मैं पढ़ाता भी बहुत अच्छा हूँ, इस कारण से तुमको वो इजी लग रहे हैं. बट अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊँ कि व्हाट इज अ रेडिकल डेफिनेशन, रेडिकल एक्सिस, तो तुम्हारी वाट लग जाए. रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन होती है बहुत गंदी सी. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द यू हैव टू ये फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ टू सर्कल्स, फिर उनका सेंटर लेना पड़ता है, फिर उनके सेंटर से एक जो होता है उसकी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन जिससे वो होता है, फिर उससे लोकस, ऐसे करके रेडिकल एक्सिस पढ़ाया जाता है. मगर ये सब बकवास है. अगर रेडिकल एक्सिस को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो तुमको ये बहुत टफ लगेगा. हमने सीधे उसके आ गए कि कुछ नहीं है, ये तो कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट है, ये तो कॉमन कॉर्ड है, वही रेडिकल एक्सिस है, तो आपको समझ में आ जाता है. ओके, अभी हम लोग आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे ना, चिंता मत करो, तो तुमको पता चलेगा किस लेवल का है. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिकल एक्सिस. अब देखो ये कौन सी एग्जाम है, देख AITEE, मतलब आईआईटी है ना. 2013 तक किसी को आईआईटी बोला जाता था, या सुनो. अब उसने क्या पूछा, देख मेरे, ये तो मेरा क्वेश्चन घर का नहीं है ना, फाइंड आउट द रेडिकल एक्सिस बिटवीन दिस. अब तू क्या करेगा, तू सुधीर मिश्रा का स्टूडेंट है, तो बोलेगा सर माइनस कर दो, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, छह में से दो गए एट एक्स, दो में से दो गए माइनस इलेवन वाई, और प्लस ग्यारह में से दो गए टू. ये तेरा आंसर आ गया एट एक्स माइनस इलेवन वाई प्लस टू ए. बता, अब आईआईटी में यही पूछा ना, मैंने तो नहीं करा कुछ. कुलदीप आंसर मिल गया? बिल्कुल. तो याद रखो, हाँ ये ट्रिक अगर बतानी है तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले दोनों सेंटर को ज्वाइन कराना पड़ेगा, है ना, सी वन सी टू, फिर इनकी इन दोनों की लाइन निकालना पड़ेगी, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन निकालनी पड़ेगी, वो हो जाएगा, फिर वहां से किसी पॉइंट पे ऐसे करके. वैसे ये जो एसएमटी है तब बुक्स में भी देने लग गए, तो इट्स नॉट ए बिग थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है अभी एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो वाले, है ना, ये आजकल बुक में भी देने लग गए, बट इट इज ए इम्पॉर्टेंट वन. यस
आया सन में? अरे गेटिंग बेटा? यस सर। यस सर। तुम चिंता मत करो, तुमको सब वही पढ़ाऊंगा जो आईआईटी में आने वाला है, और दूसरा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ कुछ चीजें पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे को भी, डेंजरस सी, जो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी, मगर उन चीजों को करने से आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा। ठीक है, रीड करो क्वेश्चन को। इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स टचेस द सर्कल दिस देन, चलो करो। अब नाउ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू, कम ऑन फास्ट, कम ऑन कम ऑन, आई विल नॉट डू। Come on, come on. Done? Fast. इतनी देर लगने नहीं चाहिए बेटा, गलत बात। खाने में आना बेटा, गलत बात है गुप्ता जी यार। टीवी गलत बात है, देखो अपना स्टॉप राइटिंग, स्टॉप डूइंग। अरे सुनो ना भाई। यस। देखो इफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस, तो सबसे पहले तो देखो आपका ऐसा ब्रेन चलना चाहिए, तुम सुधीर मिश्रा हो, क्या ब्रेन चलना चाहिए यार, ये इसने उंगली करके क्यों दिया, यही तो कंफ्यूजन कर दिया। तो कभी भी ऐसा जब आए ना, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करवाए करवाना, तो पहले तो देखो बेटा आपका एस वन तो एज इट इज है, नो चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मगर एस टू को आप ऐसे लिख दो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाय टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आर यू गेटिंग मी? आप अगर इसको अभी माइनस करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा, बस वही गड़बड़ करता है बच्चा। अब ये क्या हुआ, एस वन माइनस एस टू इज इक्वल टू जीरो, आपकी इक्वेशन क्या हो गई, कैंसल कैंसल, ये जगह टू जी माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस टू एफ माइनस फोर वाई, अरे बोलो ना, इज इक्वल टू जीरो। यस यस सर। यस, तो हमारी इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या आ गई बेटा, बहुत प्यार से देखे हम तो, इक्वेशन क्या बेटा, 4g माइनस 3x प्लस
यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये जगह f माइनस 2 और ये 2 का एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 है ना इजिकल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ सर 4 माइनस देख लो क्या बेटा 4 इनटू f माइनस 2 इनटू y होगा ना सॉरी नहीं समझा बोल जल्दी बोल क्या इनटू y लिखना आप भूल गए हो अरे यार वो तो ले खुश अभी खुश चलो आप क्या करना है अब देखो आप कैसे मजे ले रहे हैं तुम्हारे टचेस द सर्कल दिस टच करता है तो मतलब क्या हुआ इस सर्कल का सेंटर क्या हुआ जल्दी बताओ -1, -1 देखो इस सर्कल का टेंजेंट सर्कल का सेंटर क्या हुआ बेटा ये एक लाइन होगा एक तरीके से -1, -1 सर अगर एक बात बोलो अब इसका सेंटर क्या दे रखा है हमने सेंटर निकाला पहले वाले का क्या था 1, 1 यस नो -1, -1 सर एक बात बोलो एक मिनट बेटा पहले ये बोल लेंगे फिर कर लेंगे अब रेडियस क्या हुआ रेडियस आर 1² + 1² - 1 मतलब रेडियस 1 तो ये भी 1 हो गया अरे बोलो ना हाँ यस तो अब हमको पता अगर ये है तो क्या होगा परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग है ना अब देखो अभी 1 इज इक्वल टू इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो 4g - 3 इनटू x की जगह आ जाएगा -1 -4 इनटू f -2 y की जगह जो -1 अरे परपेंडिकुलर अपन रूट ओवर x स्क्वायर मतलब 4g - 3 का होल स्क्वायर 4g - 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू एफ माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया अरे यस यस सर कितना सिंपल उसने क्या बोला है उसने देखो उसने क्या बोला है कि दो सर्कल है उनका जो रेडिकल एक्सिस है वो किसी अगले सर्कल का टेंजेंट है दिमाग लगाना है बस हमको तो अरे यस यस सर अब इतना साफ सोच नहीं पाया अब दूसरा कुछ और कोई बीच में बोल रहा था हाँ सर मैं हाँ क्या बोल रहा था बेटा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेना तो अगर ये सर्कल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक्स और वाई एक्सिस को टच करके जाएगा मतलब अगर इसकी रेडिकल एक्सिस होगी वो टेंजेंट तभी होगी जब एक्स और वाई एक्सिस हो तभी अच्छा ओके गुड आइडिया ये भी सही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगी तो यस मगर उससे अपन फिर जीएफ नहीं निकाल पाएंगे ना बेटा हमारा मेन मकसद निकाल लेंगे सर फिर वो रेडिकल एक्सिस से कंपेयर कर लेंगे हो जाएगा नहीं फिर से बोल क्या बोला अब पहले x इक्वल टू 0 होगी और y इक्वल टू 0 होगी दो एक्सिस ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 3 वेरिएबल आ जाएंगे ना और दो इक्वेशन बनेगी भाई ये सर्कल है अभी सेंटर इसका क्या हो गया -1, -1 और ये रेडियस भी 1 मतलब वो टच ही करेंगे यस हां x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और वही रेडिकल एक्सिस होगी गुड बॉय ये कौन बोला नाम बता उत्सव गुड बॉय सर उसको बोलो वो दे जाएगा उत्सव वेरी गुड देखो बेटा उत्सव ने और अच्छा दिया उसने क्या बोला जिससे आपको मैंने बताया था कि मेरी फेवरेट मेथड होती है कि जो गिवन है और वो मैं निकाल सकूं तो देता हूं तो उसने बोला कि ये सर्कल है तो सर्कल को देख के थोड़ी सी करे ना वो कैसा कि उसका सेंटर आ रहा है -1, -1 और रेडियस भी 1 आ रही है ये सर्कल एग्जैक्टली कैसा हुआ बेटा कि अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा सर्कल बना जो क्या हो रहा है बेटा
क्या कर दिया मैंने, जो ऐसा क्या बना कि इसकी दो ही टेंजेंट पॉसिबल है। नहीं बेटा ऐसा जरूरी थोड़े उत्सव यार, इसकी तो कोई टेंजेंट ऐसी भी तो हो सकती है, ये भी तो टेंजेंट बन सकती है, ये भी तो टेंजेंट बन सकती है, ये भी। बट अगर रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन देखे तो वो उसमें कांस्टेंट जीरो आ रहा है। अब देखो अब रेडिकल एक्सिस अपन देखे, एक्चुअली अब रेडिकल एक्सिस निकालते हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा। सर आपने निकाली हुई है ऊपर, तो रेडिकल एक्सिस अपन निकाल रहे हैं, रेडिकल एक्सिस क्या है अपना 2g-3/2 x प्लस 2f-4 कांस्टेंट जीरो है। हाँ तो ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी। ओके तो ये जो भी लाइन होगी, देखो ये लाइन क्या lx प्लस my इज इक्वल टू जीरो आता है, तो ये क्या होता है कांस्टेंट जीरो है। तो उस सब का बोलने का मतलब है कि ये क्या होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, पक्की बात है। तो बाकी कोई भी आप टेंजेंट ले रहे थे तो वो ओरिजिन से पास नहीं होती, ओरिजिन से पास होने वाली दो ही टेंजेंट हो सकती, ये और ये। अरे यस, अरे हाँ देखो बहुत अच्छा सोचा उत्सव ने, वेरी गुड। देखो बेटा